नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैप के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा, और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे अपने एल्गो क्रैप प्लेटफॉर्म के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप गुडविल कमोडिटीज का, अगर आप अकाउंट होल्ड करते हो, तो किस तरीके से आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो और ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म का यूज करके। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मैं व्यूअर्स से कहूंगा कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को अगर आपको अच्छे लगते हैं तो, और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एल्गो क्रैब का प्लेटफॉर्म है, और जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं, एल्गो क्रैब आपका एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि 20 से ज़्यादा अलग अलग ब्रोकर्स हमने ऑलरेडी इंटीग्रेट किए हुए हैं। अगर आपका अकाउंट उन ब्रोकर्स के अंदर है तो आप अपने ब्रोकर को हमारे प्लेटफॉर्म के साथ लिंक करके ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑटोमेटिक करने का तरीका बहुत ही आसान होता है। सिंपली आपको अपने ब्रोकर को लिंक करना होता है और उसके बाद आपको सिंबल क्रिएट करना होता है जिसमें आपको ट्रेड करना है। तो सारा का सारा प्रोसेस जानते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि अगर आप नए हैं, एल्गो क्रैप पर पहली बार आए हैं, तो आपको साइन अप पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स डाल के साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको 6 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लॉग इन करेंगे तो आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा। सबसे पहले मैं आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ। मैंने अपना अकाउंट लॉग इन कर दिया। लॉग इन करने के बाद आपको स्क्रीन पर कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज दिखती हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस, चार्टिंग या एनालिसिस के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, ना ही फंडामेंटल, ना ही टेक्निकल एनालिसिस करना जानते हैं, ना ही चार्टिंग करना जानते हैं, बट ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि मैनुअल ट्रेडिंग में जो इमोशंस अटैच हो जाते हैं, जिनकी वजह से नुकसान हो जाता है काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स का, वो उसको अवॉइड करने के लिए आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है कि हमें अपने अकाउंट को लिंक करना होता है। अकाउंट लिंक करने के लिए हम ऑथेंटिकेशन के सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर अलग अलग ब्रोकर आपको देखने को मिलेंगे, लाइक 5paisa, आदित्य ट्रेडिंग, आनंद राठी, एलाइस ब्लू, एंजल एलेक्स और आपका बसंत चॉइस, और बहुत सारे ब्रोकर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लिस्ट में अवेलेबल है। तो ज़्यादातर के बारे में हमने वीडियोज बनाए हैं। आज आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुडविल कमोडिटी के बारे में और हम बताएंगे किस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हो। तो इसको लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा गुडविल, और यहाँ पर आपको आप डालनी होगी क्लाइंट आईडी और एपीआई की और एपीआई सीक्रेट। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ये एपीआई की, एपीआई सीक्रेट हमें कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर आने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे आपको लिखना है गुडविल कॉमोडिटी एपीआई डॉक्यूमेंट। ठीक है, जब आप ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पर गुडविल का एपीआई का डॉक्यूमेंट आएगा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो पहला पेज आएगा इंट्रोडक्शन का, उसी में सबसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है एपीआई की अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर साइन अप करना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे ये पेज खुलेगा। इसमें आपको आपकी लॉग इन आई डी, पासवर्ड वगैरह सब डालने होंगे। डालने के बाद ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एपीआई की और सीक्रेट बना रखा है। आपको बनाना है तो यहाँ पर आपको जाना होगा। यहाँ पर आप ऐप नेम में कुछ भी लिख लिख सकते हैं, जैसे एल्गो क्रैब 33 या कुछ वट एवर यूनिक होना चाहिए। अगर किसी ने पहले कुछ लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, लाइक एल्गो ट्रेडिंग ऐप। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपको ये जो रिडायरेक्ट यूआरएल लिखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको लिखना है इस तरीके से https, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, algocrab.com/API/ आपका हो गया गुडविल ऑथ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसी तरीके से लिखना है आपको। अगर आप कुछ और लिखेंगे तो हमारे प्लेटफॉर्म से टोकन नहीं मिल पाएगा और आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसा कि आपको दिखा रहा था कि ये सब करने के बाद इस तरीके से एपीआई की और एपीआई सीक्रेट्स बन जाते हैं। आपको इन दोनों को कॉपी करना है हमारे प्लेटफॉर्म पे, यहाँ डालना है और यहाँ डाल के इसको अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना है गेट एक्सेस टोकन का। आपको गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करना है।
गेट एक्सेस टोकन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ले आएगा ये, आपको इनके आईडी पासवर्ड और ये डिटेल्स डालनी है। मैं आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पर अपनी डिटेल्स डाल के सबमिट करते हैं और डिटेल्स कलेक्ट होती हैं, तो वो हमें वापस से हमारे प्लेटफॉर्म पर लेके आता है और हमें टोकन प्रोवाइड कर देता है। अब ये जो आप देख रहे हो टोकन हमें मिल गया है, अगर हमें वैलिडेट करना है तो क्लिक करके वैलिडेट कर सकते हैं। वैलिडेट टोकन करने से हमें पता चल जाएगा कि टोकन वैलिड है या नहीं है। जैसे कि बॉटम पे आप देख सकते हो टोकन इज वैलिड का मैसेज आ रहा है। तो टोकन लेने का जो प्रोसेस है वो सबसे पहला प्रोसेस है। अब टोकन लेने के बाद क्या है जी, हमें एक्सेस टोकन मिल गया। अब इस एक्सेस टोकन की मदद से हम इनके सारे के सारे यूआरएल्स को हिट कर सकते हैं, ट्रेड प्लेस करना है कर सकते हैं, मॉडिफाई ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, ये सब चीजें कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक का एक्सेस और नेट पोजिशंस वगैरह सब चीजों का एक्सेस ले सकते हैं। जब आप ब्रोकर पैनल में जाते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, जैसे ऑर्डर बुक। अभी जैसे ये जो ऑर्डर्स हैं अभी के लगे हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, सारे ही दिख रहे हैं। उसके बाद ट्रेड बुक में आप जाके देख सकते हैं, कोई ट्रेड लगेगा तो ट्रेड बुक में दिखेगा। पोजिशंस में आप नेट पोजिशंस देख सकते हैं जैसे ब्रोकर की होती है, और होल्डिंग्स में आप होल्डिंग देख सकते हो कि क्या क्या होल्डिंग पड़ी है। जैसे इसमें पड़ा है टाटा स्टील, पड़ा है टाटा पावर, पड़ा है इस तरीके से अलग अलग होल्डिंग्स और पोजिशंस और ट्रेड बुक वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। अब सबसे पहला काम तो हमने जो किया है वो ये है कि अपना लिंक कर लिया अकाउंट इसके साथ। दूसरा काम ऑब्वियसली हमें ट्रेड करना है और ट्रेड करके देखना है कि ट्रेड किस तरीके से जाता है। अभी 3 बज चुके हैं तो हमारे पास आधे घंटे का वक्त है। आधे घंटे में हम जल्दी जल्दी सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे और अलग अलग सिंबल्स पे आपको ट्रेड करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम कस्टमाइज स्ट्रेटजी पे जाते हैं। यहाँ पर यहाँ से आप सिंबल क्रिएट कर सकते हो अगर आप प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज को यूज करते हो, यानी कि हमारी खुद की स्ट्रेटजीज को अगर यूज करते हो तो आप इस तरीके से यहाँ पर सिंबल क्रिएट करोगे। उसके बाद जो भी कोई सिग्नल आएगा वो आपका ट्रेड हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज है तो उसमें सिग्नल कब आएगा कब नहीं आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रिज का यूज करते हैं। ब्रिज दोस्तों इस तरीके से काम करता है कि एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर देता है, यानी कि चार्टिंग प्लेटफॉर्म से सिग्नल आता है और वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे चला जाता है। इस प्रोसेस को हम ब्रिजिंग कहते हैं। तो ब्रिजिंग में हम MT4 का यूज करेंगे, तो MT4 ब्रिज पे हम चले जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ऑलरेडी कुछ सिंबल्स क्रिएटेड है, जैसे SBI इन इक्विटी क्रिएटेड है, Nifty 23 अप्रैल का क्रिएटेड है। तो दोस्तों सबसे पहले जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये है MetaTrader 4 का प्लेटफॉर्म। अब हम ब्रिजिंग टूल में जो यूज कर रहे हैं वो MetaTrader 4 यूज करेंगे और MetaTrader 4 से सिग्नल को हम आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में पहुंचाएंगे हमारे ब्रिज टूल के थ्रू। तो ब्रिज टूल में ऑलरेडी सिंबल्स क्रिएटेड है, यहाँ पर आप देख सकते हो सिंबल काफी सारे क्रिएटेड है। जैसे कि अब ये निफ्टी का हमें ट्रेड करना है, निफ्टी फ्यूचर का, तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ से इंस्ट्रूमेंट की और यूजर की को कॉपी करके हम अपने प्लेटफॉर्म पे डालेंगे। और अगर आपको क्रिएट करना है कोई सिंबल नया तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी सिंबल का नाम लिख सकते हो। जैसे ICICI में करना है तो यहाँ पे ICICI लिखोगे, ICICI रिलेटेड जितने भी सिंबल हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे, उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट की और यूजर की ये रहा और हमें अपने MT4 इंडिकेटर में इसको पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम MT4 का इंडिकेटर अप्लाई करेंगे। ये इंडिकेटर है, सबसे ऊपर यहाँ ईमेल और पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पर हमें अपना AlgoCrab का ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है जो भी हमने वहाँ पे क्रिएट किया था। उसके बाद यहाँ पर इसको फास्ट कर देना है। मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसको फास्ट करूंगा तभी आपका सिग्नल जल्दी से निकल के आ पाएगा, अदरवाइज सिग्नल निकल के नहीं आ पाएगा क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा वक्त बचा नहीं है, मार्केट बंद होने वाली है, तो इसलिए जल्दी से सिग्नल हम लोग ले लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला काम मेरा यही है कि मैं आपको ट्रेड करके बताऊँ, उसके बाद मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको इसे स्टार्ट करना है, क्या करना है। तो यहाँ पर मैं यूजर की डाल रहा हूँ और यहाँ पर मैं इंस्ट्रूमेंट की डाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीजें डाल दी मैंने, पैरामीटर डाल दिया। और मेरा तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी। सबसे पहली ऑथेंटिकेशन में जाके हमें अपना ब्रोकर लिंक करना है, उसके बाद यहाँ पर इंडिकेटर में आके आपको AlgoCrab का अकाउंट आईडी पासवर्ड डालना है, सुपर ट्रेंड की लॉजिक सेट करनी है, उसके बाद API ट्रेडिंग को ट्रू करके यहाँ पे अपने यूजर की इंस्ट्रूमेंट की डालना है, उसके बाद नॉर्मल MIA जो भी आपको करना है वो करके आप ओके कर सकते हो। अब ओके करने से क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर आपको कुछ एरोज दिखाई देने लगेंगे। जैसे आप देखो यहाँ पर आपको एक साउंड अलर्ट आया, साउंड अलर्ट में आपको दिख रहा है बाय का सिग्नल। ठीक है, अब हम यहाँ पर जाएंगे, ट्रेड हिस्ट्री में जाएंगे, ट्रेड हिस्ट्री में देखेंगे, आप देखोगे 3:12 पे एक सिग्नल आया, सक्सेस गया और वो बाय का सिग्नल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यही ऑर्डर अगर आप देखना चाहोगे अपनी ऑर्डर बुक में तो आपको अपनी ऑर्डर बुक में भी दिख जाएगा। आप ब्रोकर पैनल पे जा सकते हो, ऑर्डर बुक पे जा सकते हो। ऑर्डर बुक में जाने के बाद आप ये देख सकते हो सबसे ऊपर एक सिग्नल बाय का रिजेक्टेड दिखा रहा है, तो ये कौन सा सिग्नल है। ऑर्डर आईडी देख रहे हो आप, 140195 इसका ऑर्डर आईडी लिख रहा है। अभी अगर आप MT4 ब्रिज पे जाते हो और यहाँ पे इस सिग्नल पे आप जाके देखते हो इसकी हिस्ट्री,
तो यहाँ पर जब आप सक्सेस पे क्लिक करोगे तो आपको देखेगा ये 40195 इसका ऑर्डर नंबर, आप देख सकते हो यहाँ पे 40195 इसका ऑर्डर नंबर है। तो इस तरीके से आपका ट्रेड जो है ऑटोमेटिकली होगा, कोई भी सिंबल आप लगा सकते हो, किसी भी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। ये मैंने ब्रिज के थ्रू करके दिखाया आपको। अगर आप स्ट्रेटजीज पे लगाते हो तो स्ट्रेटजी में अपने आप ट्रेड हो जाता है, आपको स्टार्टिंग की जरूरत नहीं होती स्ट्रेटजीज में। अब ब्रीफली समझते हैं किस तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करना है अगर आप प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज यूज करते हो। तो आपको कहाँ जाना है दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है एल्गो ट्रेडिंग में। एल्गो ट्रेडिंग में जाने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज स्ट्रेटजी में जाना है और यहाँ पर आपको आपको क्रिएट सिंबल करना है। क्रिएट सिंबल के बाद आपको स्ट्रेटजी सिलेक्ट करनी है। स्ट्रेटजी किस बेसिस पे काम करती है वो सब डैशबोर्ड पे लिखा हुआ है। जैसे ईगल ट्रेडिंग और इंट्रामैक्स प्राइस टाइम रेंज ब्रेकआउट पे काम करती है। मान लीजिए आप टाइम रेंज ब्रेकआउट के लिए इंट्रामैक्स यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सर्च में लिखेंगे निफ्टी फ्यूचर, ठीक है। तो ये आ गया निफ्टी अप्रैल फ्यूचर, मार्च फ्यूचर, मई फ्यूचर और जून फ्यूचर। आप अप्रैल फ्यूचर में करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी डालेंगे जो भी डालनी है, एमआईएस करना है या नॉर्मल करना है। देखिए ऑब्वियसली मैंने बताया आपको इंट्रामैक्स की जो स्ट्रेटजी है वो एमआईएस इंट्राडे की है तो एमआईएस करेंगे। बाकी ऑर्डर मार्केट लिमिट जो भी लगाना है वो लगा के स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पे दिए हैं, टारगेट वन और स्टॉप लॉस वन हमने एनेबल किया, उसको हमने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद ये कार्ड यहाँ पे बन के आ गया। कार्ड बनने के बाद इसको बस हमें प्ले का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ये ब्लैक कलर का हो जाएगा इसका मतलब अपना काम हो गया। अब कोई भी नया सिग्नल आएगा तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये इंट्रामैक्स की स्ट्रेटजी के थ्रू। इंट्रामैक्स बेसिकली प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी है जिसमें 15 मिनट का ब्रेकआउट यूज कर रहे हैं हम और रियल टाइम पे ही सिग्नल देता है। जैसे ही ब्रेकआउट होगा तुरंत की तुरंत सिग्नल आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो स्ट्रेटजी है वो आपने इंट्रामैक्स चूज किया क्योंकि ये इंट्राडे है। और आपको पोजिशनल चाहिए या कोई और स्ट्रेटजी चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो। जब आप स्ट्रेटजीज में जाओगे तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी। जैसे यहाँ पर मोर इन्फो पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया है, 9:15 से 9:30 की कैंडल का टाइम रेंज का ब्रेकआउट ले रहे हैं, 0.25 का स्टॉप लॉस और 0.25% का टारगेट है। 0.25 जो है ये स्टॉक का जो वैल्यू होता है उसका 0.25, जैसे निफ्टी अगर 17,000 चल रही है तो 17,000 का 0.25, ठीक है। ये होगी प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज, आपकी अलग 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 स्ट्रेटजीज हैं। MT4 ब्रिज के थ्रू करना चाहते हैं तो आप MT4 ब्रिज का यूज कर सकते हैं। MT4 के लिए हमने काफी सारे फ्री इंडिकेटर्स भी दे रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेंज ब्रेकआउट, सेमी एल्गो और इस तरीके से अलग अलग इंडिकेटर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं जो कि बहुत ही लेस अमाउंट पे करके आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा सुपर ट्रेंड, हाइकनाशी और ये सब फ्री के भी इंडिकेटर्स हमारे अवेलेबल हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा यूनिवर्सल ब्रिज है जो वो यूज होता है ट्रेडिंग व्यू या फिर एमी ब्रोकर के लिए। नीचे आपको ट्रेडिंग व्यू और एमी ब्रोकर की फ्रीबीज दी हुई हैं, आप इनको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो और ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर वेबहुक हमने दिया हुआ है कि ये वाला वेबहुक आपको यूज करना है यूनिवर्सल ट्रेड के लिए, ठीक है। अगर आप MT4 ब्रिज करते हो तो मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि अगर आपको API क्रिएट करनी है तो किस तरीके से आपको अपना URL डालना है जो कि कॉल बैक URL होगा। ऐसे ये वेबहुक URL है, इसको इस पे हम सिग्नल्स लेते हैं, उससे हम ऑथेंटिकेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट प्लेस में मैंने आपको दिखाई दिया कि अलग अलग स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो। स्ट्रेटजीज के थ्रू करना चाहते हो तो स्ट्रेटजीज से कर सकते हो। ब्रिज के थ्रू करना चाहते हो तो ब्रिज से कर सकते हो। स्ट्रेटजी से करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, कोई भी स्ट्रेटजी चूज करनी होगी, यहाँ पर सिंबल का नाम चूज करना होगा, कोई भी स्ट्रेटजी जो भी आपको चाहिए उसका सिंबल का नाम। उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट, जैसे अभी निफ्टी जो चल रही है उसकी 27 तारीख एक्सपायरी डेट है। उसके बाद यहाँ पर अप्रैल का महीना और यहाँ पर डालने हमने 23, और उसके बाद जो भी हमें सेटिंग यहाँ पे MIS नॉर्मल की करनी है वो सब करके हम इसको यहाँ पर ATM OTM ITM का भी ऑप्शन है, अगर आप ITM OTM करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव कर देना। जैसे आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एक कार्ड बन जाएगा। अब ये कार्ड बन गया, ये कार्ड में आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको आपको स्टार्ट कर देना, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, अब कोई भी सिग्नल आपका बनेगा उस पर अपने आप ट्रेड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो काम करता है। और सबसे पहले प्रोसेस जो होगा वो ऑथेंटिकेशन का होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑथेंटिकेशन के लिए आपको गुडविल सिलेक्ट API की और सीक्रेट डालने हैं। API की और सीक्रेट जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से मिलेंगे आपको, और यहाँ पर क्रिएट ऐप करके आप ले सकते हो। और उसके बाद ब्रोकर लिंकिंग के बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये टोकन जो है एवरी डे लेना है, सुबह सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आपको आपको यहाँ पर गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करना होगा। और उसके बाद आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स डालनी होगी। लॉगिन डिटेल्स डालने के बाद आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो।
ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे सिग्नल बनते हैं। अभी देखिए बाय का सिग्नल आया था, उसके बाद मार्केट ऊपर ऊपर चला गया, तो अभी सेल का सिग्नल इसमें बना नहीं है। अगर सेल का सिग्नल बनता है तो आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सब आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी हो रही है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएंगे, उन पे आप कॉल कर सकते हो। उन पे कॉल करके आप पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हो। 6 दिन का फ्री ट्रायल है जिसको आप अवेल कर सकते हो। ट्रायल लेने के लिए आपको सिंपली साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद आपको 6 डेज का ट्रायल मिल जाएगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।